हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और मैं बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं जस्ट थोड़ी देर हुई नहा के आई हूँ और कपड़े वगैरह धुले। आज लेट हो गई बहुत नहाने में और अभी टाइम हो रहा है, शाम के 4 बज रहे हैं और कपड़े वगैरह धो के अभी आई मैं छत पे फैलाने के लिए। और देखिए, बाल भी अभी गीले हैं थोड़े। हवा इतनी तेज़ चल रही है छत पर, बहुत तेज़ हवा चल रही है। और हमारा ना लिंटर जो है वो खुल गया है और आप लोग को दिखाऊंगी। सारा सामान ऐसा फैला पड़ा है, मतलब जो लिंटर का सेटिंग का सामान है सारा फैला पड़ा है सब में, तो आप लोग को दिखाती हूँ। और जीने भी खुल गए हैं, तो नीचे जाऊंगी ना अभी, तो आपको दिखाऊंगी कैसा लग रहा है सब में पसारा। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं। और छत पर बहुत तेज़ हवा चल रही है, धूप भी है अभी काफ़ी तेज। बाल्टी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कैसे सब बवाल फैला पड़ा है। ये जो मलबा है ये सब हटाया जाएगा। और जीने भी देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना, जीना भी खुल गया है। और अभी इसमें बहुत काम बाकी है, लिसाई पुताई होगी। और यहाँ पे देखिए नीचे जो जीना था ना, उसके नीचे ईंटों का बना था, वो सारा मलबा गिर गया है। कच्चा जीना बनाया था जो, वो गिर गया है और ये रह गया। और ये यहाँ पे अंदर देखिए सेटरिंग का सामान सारा पड़ा है। और ऊपर लेंटर देखिए कितना बढ़िया बना है। तो बस यहाँ पे सेटरिंग का सामान लेने वो लोग आ जाएंगे, शाम तक हो सकता है, तो बस आजकल में। तो ये देखिए सब लेके जाएंगे, हम सब में फैला हुआ फैला है। और अभी चाय बनाने आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है और चाय के बिना शाम अधूरी है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, और चाय पी लेंगे। आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए। तो अदरक वाली तेज पत्ते की चाय। और उसके बाद मेरा थोड़ा सा काम है, तो ये मैं काम कर लेती हूँ। मैं जिस चादर बनवाई थी ना कपड़ों से, तो उसकी जो साइड होती हैं किनारे हो, तो वो उधड़ जाएंगी बिना कपड़ा लगाए, इसलिए मैं उसके साइडों में ना कपड़ा लगा रही हूँ, तुरपाई कर रही हूँ, मतलब सिल रही हूँ, ताकि ये उधड़े ना और सही रहे। तो इसकी दूसरी साइड जो है मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये मेरी बेटी थोड़ा सा क्लिप बनाने लगी थी यहाँ पर, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, उसने जैसा भी बनाया है। तो यहाँ पे देखिए दूसरी साइड है ये, तो इस तरह की है दूसरी साइड, जो कि यहाँ से जो उधड़ सकता है पूरा उधड़ जाएगा इस तरह से, इसलिए मैं यहाँ पे कपड़ा लगा रही हूँ। और उसके बाद अभी मैं किचन में आ गई हूँ डिनर की तैयारी करने। और डिनर में बना रही हूँ मैं आलू मटर की सब्ज़ी। और सब्ज़ी यहाँ पे बन रही है, आटा भी लगा के रख दिया है और चावल भी बन गए हैं। तो पतीली गर्म थी, मेरी लग गई गर्म गर्म। और यहाँ पे देखिए मैं जब तक जो थोड़े बहुत बर्तन हैं उनको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि हाथ के हाथ बर्तन धोते हो तो फिर ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं और ये इकट्ठे करते रहो तो बहुत हो जाते हैं। तो मैंने सोचा अभी सब्ज़ी बन रही है, टाइम भी है मेरे पास, तो जो बर्तन है वो मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो किचन में ही हूँ तो फटाफट कर लेती हूँ क्लीन। तो यहाँ पर देख सकते हैं फटाफट मैं क्लीन कर लेती हूँ और सब्ज़ी देख लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, आलू मटर की सब्ज़ी।
और आज मम्मी का मन था आलू मटर की सब्जी खाने का, तो मैं उसे आलू मटर की मैंने सब्जी बना ली है। सब्जी बनने के बाद मैंने सोचा चलो मैं रोटी सेक लेती हूँ, तो फटाफट यहाँ पे रोटियाँ सेक लेती हूँ। और सबसे पहले रोटी तो मैं गाय के लिए निकालती हूँ, आप लोग को पता ही है, तो गाय के लिए मैंने पहली रोटी निकाली है और उसके बाद बाकी सारी रोटी सेक रही हूँ। आप लोग इन्जॉय करिए वीडियो को, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हस्बैंड लेके आए थे पान, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है मीठा पान। तो यहाँ पे देख सकते हैं मीठा पान है ये, पहले हमारे नाना के यहाँ नाना बहुत लाते थे बचपन में, इसलिए मुझे बहुत शौक है, मेरा फेवरेट है मीठा पान। तो बस हस्बैंड लेके आए थे तो यहाँ पे मैं खा लेती हूँ, और बहुत ही टेस्टी, बहुत सारा इसमें ग्लूकंद वगैरह सब चीज़ पड़ी थी, चेरी भी थी देख सकते हैं यहाँ पे, और सौंफ वगैरह होती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, और बहुत बड़ा भी था, काफ़ी बड़ा पान था देख सकते हैं आप मेरे। हे गाइस, तो फाइनली अभी हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है, और अभी टाइम हो रहा है 10:30 हो रहा है, और खाना पीना बाकी लोगों ने नहीं खाया है, तो जब तक वो लोग खाना खा लेंगे तब तक उसके बाद मैं क्लीन करूँगी किचन। और अभी मैं देख रही हूँ, देखिए सीरियल दिख रहा होगा क्यों रिश्ते में कट्टी बट्टी, ये वाला सीरियल देख रहे हैं। रात को 2-3 सीरियल हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, और ये देख लेती हूँ रात में। तो अभी सबने खाना भी नहीं खाया क्योंकि लेट खाएंगे खाना, मतलब देर में ही खाते हैं, कभी एक संग सबको भूख नहीं लगती, एक एक करके खाते हैं, जिसको भूख लगती है खा लेता है, जिसको नहीं लगती वो देर में खाता है, बस वो लोग खा लेंगे, उसके बाद मैं क्लीन करूँगी। तो तब तक मैं सीरियल देख लेती हूँ, और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। सॉरी, थोड़ी देर में नहीं मिलती हूँ, ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ, तो जो भी खाना पीना है तो वो मैं सारा रख दूँगी फ्रीजर में, क्योंकि गर्मियाँ पड़ने लगी हैं, तो बाहर रख दो सब्ज़ी तो गर्मी में ख़राब हो सकती है, इसलिए सारी सब्ज़ी वगैरह जो बचेंगी वो रख दूँगी फ्रिज में, और ये किचन वगैरह क्लीन कर लूँगी। गैस वगैरह देख सकते हैं आप कितनी गंदी किचन हो रही है, तो बस मेरा नाइट रूटीन है ये अपना क्लीनिंग का, किचन का। तो वैसे तो मैं डेली बर्तन साफ को ही साफ़ करके रख देती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ, कभी कभी होता है जैसे कि आलस आ जाता है कि नहीं आज मन नहीं हो रहा है तो छोड़ देती हूँ, तो सुबह को बहुत मुश्किल हो जाता है करना, अगर सुबह को करो ना तो बहुत दिक्कत होती है, पहले किचन साफ़ करो उसके बाद कुछ चाय नाश्ता बनाओ और रात में क्लीन करके रख दो, तो हमें सुबह को मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है कि हमारी किचन साफ़ होती है, बस हमें बस हल्का सा कपड़ा मार लो और अपना नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दो। तो इसलिए बस मेरे हिसाब से तो रात में बर्तन मार के रख देना ही ठीक रहता है, मैं ज़्यादातर यही करती हूँ, अब कंटिन्यू मैं रात में ही बर्तन डेली धुल के रख देती हूँ, क्योंकि ठीक रहता है रात में धुलना, और जूठन भी नहीं रहती है फिर किचन में, तो इस वजह से मैं बस सारे बर्तन धुल लूँगी और उसके बाद इनको लगा दूँगी, सुबह को सूखे बर्तन में मिलेंगे। अब वैसे भी बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, सॉरी अभी तो बीच में छुट्टी पड़ गई है, मैं पता नहीं बढ़ गई है होली से छुट्टी है पड़ी, लेकिन 4 तारीख से सुना जा रहा था कि खुल जाएंगे, लेकिन अभी भी छुट्टी थोड़ी सी बढ़ गई है, देखो कितने दिन तक की छुट्टी हो। चलिए बर्तन तो क्लीन हो गए हैं देख सकते हैं यहाँ पे, और अब हम खा लेते हैं तरबूज, तरबूज के सीजन का पहला तरबूज, तो चलिए खा लेते हैं, और कैसा है, किचन में खड़ी हूँ, बहुत टेस्टी लग रहा है, मीठा भी है, तो चलिए हम लोग तरबूज खा लेते हैं हम, और आप लोग भी खा लीजिए और सोते हैं, तो चलिए आप लोग भी सो जाइए, प्लीज़ सोने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।